हाथी से भी बढ़ गए हैं पेट्रोल के डीजल के रेट। आज ये लेडीज को पूछ कर देखो, आज जो गैस के रेट जो 325 का सिलेंडर था आज 800-850 रुपए का मिल रहा है, और ये मोदी भक्त कहते हैं ये सस्ता है 850 वाला, और 350 वाला था वो महंगा था, और ये इन लोगों ने मैं समझता हूँ देश को गुमराह करने लगे हुए हैं सभी लोग। मैं बरजिंदर कौर काउंसलर वार्ड नंबर 45 से यही कहेंगे कि सारा देश पिस रहा है। देखो, एक तो पहले GST की वजह से, नोटबंदी की वजह से, उसके बाद कोरोना की वजह से जो देश की आर्थिक हालत है, जो आर्थिक हालात हैं देश के, और ऊपर से रेट बढ़ाए जा रहे हैं सिलेंडर डीजल गैस, तो सब्सिडी कितनी देते हैं, कुछ परसेंट देते हैं, तो उससे को इसका मतलब यही है कि लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि सिलेंडर महंगा कर दिया सब्सिडी मिलेगी तो आप शांत रहो। बट लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, पढ़ा लिखा है हमारा जो देश है, तो इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि दूसरे देशों की कंपैरेटिव एंड दूसरी स्टेट्स के कंपैरेटिव पंजाब की तरफ ध्यान दे और इसके बारे में सोचा जाए। लोग पहले बेरोजगार बैठे हैं, कहाँ से खर्चे करेंगे। मेरा नाम जयराम हाथी। हाँ जी, हमको कहा था शोभा यात्रा यहाँ से चलेगी, हमें क्या आप यहाँ पे इस काम के लिए बुलाया है ना, हमें क्या पता भाऊ जी, हम तो सोचे शोभा यात्रा है, हमें कहा यहाँ पे ना वेलकम कराना। ये तीन मूर्ति जो खड़ी है भगत, ये क्या देवता, क्या नाम इनके, हाँ भगत सिंह को सलामी कराने आना। मैं कहा चलो सलामी तो करा देंगे, कोई बात, हमें थोड़ी पता यहाँ पे ये चीज करोगे।